जंग जिंदगी की। आसमां को देखें, आसमां बादलों से भरा है, पानी पड़ रहा है, लेकिन सब्जी बेचने की ललक दुकानदारों में अभी भी है। रांची रोड के किनारे लोग बैठ करके सब्जियां बेच रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसे, आप क्या कहेंगे इसे? आप क्या कहेंगे इसे, इसे इसे जिंदगी की कौन सी ललक कहेंगे आप? किसे जिंदगी जीने को जी चाहता है जब सर्दियों में घर में सिमट के जीने की नौबत है। ये बैठे हुए हैं, हाँ, अंधेरा छा रहा है, बादल घिरे हुए हैं, पानी भी पड़ रहा है, मगर जिंदगी कहती है कि हम जिएंगे ही। और सब्जी के दुकानदार सब्जियां लगाए हुए सड़क के दोनों तरफ, ये वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये चारों तरफ गाड़ियों का आवागमन है। गाड़ियों पे बत्तियां जल चुकी हैं, लेकिन अभी किसानों के घरों में बत्तियां नहीं जली हैं, क्योंकि किसानों के घरों में बत्तियां जलाने वाले तो सब्जियां बेच रहे हैं। खेतों से निकाली हुई सब्जियां आ गई हैं और ये बेच रहे हैं। जिंदगी कितनी कठिन है, कभी इनके साथ जी करके देखिए, कभी इनके पास आ करके देखिए। अभी अब हम आपको बहुत जल्द उन दुकानों के पास ले जाएंगे जो आसमां के खुले छत के नीचे बैठ करके मछलियां बेचते हैं। जिंदगी को ज़रूरत है, घर परिवार को ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना हो तो फिर ज़िंदगी कहते किसे हैं? ये आरामदेह ज़िंदगी घरों में बैठ करके हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जब सड़कों की बत्तियां जल जाती हैं, मजदूरों के घरों में बत्तियां उस समय तक बुझी रहती हैं, क्योंकि मजदूर पुरुष और स्त्री घरों में नहीं होते हैं। बच्चों की इंतजारी होती है, मवेशियों की इंतजारी होती है, कब लोग आएंगे, भोजन देंगे। कैसी तलाश है ज़िंदगी की, एक बार सोचिए इनके बारे में भी। सिर्फ खड़ा होने का ही अगर पैसा लिया जाए तो हम लोग खड़ा हो भी नहीं सकते हैं इन सर्दियों में। और इन दुकानदारों से हम लोग कहते हैं कि आलू पर 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो छोड़ दो, ये तुम महंगा बेच रहे हो। सोचिए इनके बारे में, उतने पैसों से क्या होता है? क्या घर की परवरिश हो जाएगी? क्या ये लोग जिंदगी जी लें, हम जिंदगी जी लेंगे? नहीं जी लेंगे। फिर ये लोग कैसे जीते हैं? एक ही समाज में 2 भगवान कैसे हो सकते हैं? एक ही मंदिर में 2 रूप कैसे हो सकते हैं भगवान का? हे परमात्मा, इनके बारे में सोचो, इनकी जिंदगी के बारे में सोचो, और समाज भी सोचे। ये सहानुभूति के पात्र हैं, ये शोषक नहीं है, ये आपके लिए ताजी हरी सब्जियां लाते हैं, और चाहे कितनी हो कड़ाके की सर्दी हो, पानी पड़ रहा हो, हवा बह रही हो, ये आपको सब्जियां देते हैं, उसके बदले में चंद पैसे। इस जाड़े की मजदूरी भी इनके पास आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ी के देखिए, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो गाड़ी के शीशे पर पानी की बूंदें आपको नजर आएंगी। क्या सोच सकते हैं कि क्या ऐसी ही जिंदगी है? क्या आप जी सकते हैं ऐसे, या हम या कोई नहीं? फिर ये क्यों जीते हैं? इनके लिए 2 भगवान क्यों हैं? इनके लिए 2 संसार क्यों हैं?
इनके लिए दो। ये समाज में जीने वाले दूसरी जिंदगी क्यों है जहां हम नहीं जी सकते, जहां ये जीते हैं हम नहीं खड़ा हो सकते हैं, इनके बारे में सोचना होगा सरकार को। जहां सब्जियां लगती हैं वहां पे इनको प्रोटेक्शन देना होगा, वहां उचित बाथरूम की व्यवस्था और शेड, पानी की उचित निकासी, यह सब करनी चाहिए ताकि इनकी जिंदगी भी सामान्य हो सके। हर आदमी एक समान तो नहीं हो सकता, लेकिन हर आदमी की जिंदगी से कष्ट को कम से कम हटाया जा सकता है। हम लोग इनके जिंदगी को कष्ट हटावें, ईश्वर से प्रार्थना करें, सरकार से प्रार्थना करें, समाज से प्रार्थना करें, संवेदनशील लोगों से प्रार्थना करें, इन सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं जो सड़क के किनारे बेचते हैं, इनकी दुर्दशा के बारे में सोचें और इनको एक माहौल दे, एक परिस्थिति पैदा कर सके जहां ये सुकून के साथ अपना व्यापार चला सके। आप रामगढ़ से बाहर निकलने वाले दामोदर नद के ऊपर हैं, ये उसका पुल है जहाँ से आप गुजर रहे हैं। आप सोचिए अब आप आ गए दामोदर नदी की इस पार रामगढ़ से सटने वाले रास्ते में, और यहाँ ये मछली के दुकानदार हैं, मछलियाँ बिक रही हैं। धीरे 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 ये मछलियाँ बिक रही हैं, आप देखें धीरे मछलियाँ खुले आसमान के नीचे मछलियों की बिक्री, जिंदगी जीने की एक ललक, एक कोशिश। और दामोदर नद के ऊपर आप अब रामगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं, ये थाना चौक में आप आ गए हैं। अभी अभी यहाँ पर रिलायंस खुला है, यहाँ पर कुमार इलेक्ट्रिकल्स चलिए है, यहाँ पर सब जगह व्यवस्थाएं हैं। आप देखेंगे किस तरह, अभी आपको हम एक और जगह ले चलूंगा जहां आप और गौर से देख सकेंगे जिंदगी को। एक संसार में दो जिंदगी कैसे है, एक आसमां एक धरती क्यों है। ये फूलों के दुकानें हैं, हनुमंत लाल का मंदिर और ये इसके सामने ये फूल की दुकानें सजी हुई हैं। ये डीसी कॉम्प्लेक्स, उसके सामने सब कुछ है और ये जा रहा है। आपके सामने से ये आप देखें जहां पशु पंछी भी घोंसलों में कैद हो चुके हैं, मजदूरों गरीबों की जिंदगी उस समय भी दौड़ रही है, चल रही है। शायद इसी का नाम जिंदगी है।
इसी का नाम जिंदगी है। शहर बत्तियों से सीक्रेसमेंट मछली की लपड़ो। देखिए आप देख रहे हैं मछली की दुकानें, मछली की दुकानें हैं यहाँ पर, तो प्लास्टिक का कवर भी दिया हुआ है और इस तरह से। अब आप आ गए रामगढ़ में रिलायंस टेन। देखिए यहाँ यहाँ पर रिलायंस टेन एक अच्छी प्रतिष्ठित दुकान है। तनिष्क दुकान के बगल में, तनिष्क और उसके बगल में रिलायंस ट्रेड स्मार्ट सुपर शॉपी। ठीक है।